कुर्सला प्रखंड के शाहपुर धर्मी पंचायत खेल मैदान व जरालाही पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रांगण में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार, जिला पार्षद उमा यादव, मुखिया अरुण यादव और सुप्रिया जायसवाल अन्य पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाना। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बुनियादी विकास में गुणवत्ता को लेकर समाज को जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम का संचालन जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने किया। कार्यक्रम में कृषि, चिकित्सक, शिक्षा, पंचायती राज विभाग, खाद्य व आपूर्ति, जीविका, विद्युत और पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहकर संचालित योजनाओं की जानकारी, साथ ही मनरेगा, श्रम स्वच्छता और सहकारिता विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विभाग के कार्यों की जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे ज्यादा जिले के विभिन्न प्रखंड व थाना क्षेत्रों से भू विवाद से जुड़ी हुई समस्या आती है, जिसके निष्पादन को लेकर हर एक शनिवार सभी थाने में अंचलाधिकारी व थाना अध्यक्षों के संयुक्त बैठक में जनता दरबार लगाकर उसका समाधान किया जाता है। यदि किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वैसे स्थिति में प्रीत स्थानीय थाना में प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत के संदर्भ में बता सकते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों ने बिजली, स्वास्थ्य, मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान जरलाही पंचायत के मधेली में खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान मधेली में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का इलाज भी किया गया। जनप्रतिनिधिगण इस पंचायत के कोने कोने से आए हमारे भाइयों और बहनों, माताएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के हमारे मीडिया बंधुगण, इस जनसंवाद का जो उद्देश्य है, सरकार की जितनी भी व्यवस्था आपके लिए की गई है, जितनी भी योजना है, जितनी भी सुविधा आपको दी जा रही है, वो सुविधा के बारे में आपको बताएं। आपको अगर कोई ज़रूरत है, आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है और आपको अगर जानकारी की कमी है, तो ये एक तरह से जागरूकता अभियान भी है। और आपकी अगर कोई शिकायत है, जैसा मैंने देख रहा था बहुत सारे लोग जो है अपना आवेदन भी यहाँ पर जमा किए हैं, तो वो भी जो है आप वरीय पदाधिकारी को अवगत करा सकते हैं। हालांकि प्रतिदिन हम लोग कार्यालय में सभी लोग को जो है जन सुनवाई हमारी होती है, हम लोग सभी लोग को सुनते हैं, तो आप हमारे कार्यालय भी आ सकते हैं। पुलिस से संबंधित जो विषय है, जो 3-4 बिंदु है मुख्य, मैं उस पर आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले है भूमि विवाद। भूमि विवाद को लेकर के बहुत सारी जो है घटनाएं भी होती हैं, आपने देखा होगा कई हत्याएं भी हो जाती हैं इसमें। और एक ऐसा भी डेटा है जिसमें 60% जो मर्डर्स है वो भूमि विवाद के कारण होता है। तो भूमि विवाद में प्रॉब्लम कहां पर है, आपको दिमाग एकदम जो है अपना क्लियर रखिए कि भूमि कोई आपका खत्म नहीं कर सकता है। आदमी आएगा जाएगा, लेकिन भूमि कोई आपका खत्म नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या करने की जरूरत है, कानूनी प्रक्रिया से अपनी लड़ाई को लड़िए। आपको क्या करेगा, बिचौलिया जो है दोनों पार्टी को उकसाता है और दोनों लड़ लेता है और दोनों माथा फाड़ लेता है। आपकी समस्या सॉल्व हुई, सॉल्व नहीं हुई, एक समस्या और बढ़ गई, थाने में केस हो जाता है और फिर आप भागे फिरे चलते हैं, गिरफ्तारी हो जाएगी, चार्जशीट हो जाइएगा। तो मेरा यही निवेदन है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी को आप बताते हैं, वैसी ही व्यवस्था जो है सरकार ने भूमि विवाद से संबंधित की है। ये व्यवस्था है, हर शनिवार को थाने में जनता दरबार लगता है, जिसमें सीओ साहब और एसएचओ साहब दोनों बैठते हैं और आपकी बात को सुनते हैं। एक भूमि विवाद पंजी होता है, रजिस्टर होता है, उसमें आपकी बात को वो लिखते हैं और आपको बताते हैं कि इसका समाधान कहाँ है, कौन करेगा, ये वहां पर लिखा जाता है। और आप चाहेंगे तो उसकी जेरोक्स भी आपको दे दी जाएगी। और मैंने सभी लोग को बोला है, थाना अध्यक्ष जितने भी हैं पूरे जिले के, उन सभी को मैंने बोला है कि आप जो लिखते हैं, आप लोग जो साइन करते हैं, उसका एक जेरोक्स कॉपी आप दोनों पार्टी को दे दीजिए।
अगर आपकी समस्या हो सकता है कहा जाए कि नहीं DCLR साहब के कोर्ट में जाइए, हो सकता है कि नहीं आप कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में आप जाइए, आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि ये समस्या कहाँ सॉल्व होगी। तो इसमें जो है बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उसमें जो है गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है, जैसे कभी फोन आता है, सर वो जमीन पर जो है वो चला गया है। हम बोलते हैं कि अगर आपका जमीन अगर विवादित है तो CO और SHO साहब वहां पर निर्णय लेंगे कि वहां पर 144 का प्रपोजल जाएगा। मतलब अगर दोनों पार्टी जो है उस जमीन पर नहीं जा पाएगा, और 107 की भी कार्रवाई होगी कि अगर आप मारपीट करते हैं तो आप पर बॉन्ड डाउन रहेगा और आपको फाइन भी होगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये जितना भी व्यवस्था है सरकार ने आपके लिए की है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जमीन विवाद की अगर समस्या है। आपको जानकारी दे रहे हैं, बहुत तरह से प्रचार प्रसार सरकार की योजना का होता है, मीडिया के माध्यम से होता है, टेलीविजन TV प्रेस के माध्यम से होता है। तो एक आप लोगों के बीच आज जितने भी विभाग के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, 7-8 विभाग के आसपास की योजनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना, बहुत के बारे में आपको जानकारी होगी पहले से, कई को आप लोग पहली बार सुने होंगे। तो इसका मकसद यही है कि आपको पहले तो जितनी अधिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि आपको कहीं भी उस योजना के लिए या कोई आप लाभ लेना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो किस व्यक्ति, किस विभाग, किस अधिकारी के द्वारा वो उस समस्या का निदान होगा, उसके बारे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। इस तरह से 40 से अधिक विभाग हैं सरकार के पास, हर के पास कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, तो सैकड़ों योजनाएं हैं। हर एक व्यक्ति एक से अधिक योजना का निश्चित रूप से लाभ उठा सकता है। तो एक दूसरा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना कि आप भी थोड़ा अपने स्तर से जागरूकता दिखाइए, जो काम आप करने का सोच रहे हैं उसमें एक बार जरूर पता कर लीजिए कि क्या कोई विभाग से, किसी योजना से हम इसका लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अभी कुछ प्रमुख जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, तो उस चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अभी अपडेट हो रही है। तो जितने भी लोगों का नाम छूटा हुआ है, अपने BLO से आपका नजदीक में जहां भी बूथ हो उससे संपर्क कर लीजिए, एक बार अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए वोटर लिस्ट में सही नाम है कि नहीं है, नाम, पता, स्पेलिंग, पिता का नाम, फोटो, ये सब सही है या नहीं है। क्योंकि अगले साल जब चुनाव के समय आप सीधे आइएगा और कहिएगा कि हमारा तो नाम उसमें नहीं है, तब उस समय हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आपका आवेदन रख लेंगे, उसके बाद ही कर पाएंगे। तो अपना वोटर लिस्ट में खासतौर पर जितने लोग 18 से 19 साल के बीच हैं, जो नए युवा हैं, चाहे जो महिलाएं जिनकी शादी होकर के कहीं से आई हैं, उन लोगों से विशेष अनुरोध है कि अपना नाम निश्चित रूप से जुड़वा लें, ताकि अगले साल आपको अपना वोट डालने में, अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक उसी प्रकार कई योजनाओं में अब आपके आधार कार्ड को जुड़वाना कंपलसरी हो गया है। अभी ADM साहब बता रहे थे कि दाखिल खारिज का आवेदन ऑनलाइन हो जाता है। अब आगे आप लोग पेपर में भी देखे होंगे कि बिना आपके मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के अब कोई म्यूटेशन नहीं होगा। जमाबंदी को आपके आधार से लिंक किया जा रहा है, मतलब अगर आपके नाम पे जमाबंदी चल रही है तो वैसे सभी जमाबंदी को आधार से लिंक किया जा रहा है, ताकि बिना आपके जानकारी के कोई भी उस जमाबंदी में छेड़छाड़ नहीं कर सके, आपके जमीन का कोई म्यूटेशन नहीं हो सके। तो उससे हमारी जितनी भी शिकायत आती है कि 3-4 साल पहले तक हम रसीद कटाए थे, अभी अचानक से रकबा जीरो हो गया, तो वैसी शिकायत नहीं आएगी। उसके लिए भी आप अपने राजस्व कर्मचारी के द्वारा यहाँ पर शिविर लगाया जाता है, तो उसमें अपना जमाबंदी को आधार से सीडिंग करा लीजिए। ठीक उसी तरह से राशन कार्ड है, राशन कार्ड में भी अगर आपने आधार से उसको लिंक नहीं कराया है, तो वैसे सभी राशन कार्ड इस माह के अंत के बाद बंद कर दिए जाएंगे, उन पे आप राशन का उठाव नहीं कर पाएंगे, तो उस काम को कर लीजिए। मुख्यतः जो सरकार की योजनाएं होती हैं या जो लाभ दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता उनकी होती है जो समाज के निःशक्त वर्ग हैं, जिनको की सहायता की जरूरत है, जिसमें एक अभी यहाँ पर चूंकि यह पंचायत और यह प्रखंड भी काफी बाढ़ से पीड़ित रहता है, तो उसके लिए चाहे वो बाढ़ की स्थिति में GR उपलब्ध कराना, पॉलिथीन शीट इत्यादि से लेकर राहत सामग्री, कम्युनिटी किचन का संचालन, वो काम आपदा विभाग के द्वारा किया जाता है। उसके लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपडेट करके रखा जाता है।